गुड मॉर्निंग एवरीवन, सबको नमस्कार, सत श्री अकाल और जय माता की। आशा करते हैं आप सब अपनी अपनी जगह पे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारा एक और न्यू ब्लॉग में। तो गाइस, आज सुबह हम घर से निकले थे तो आ जाए हैं साऊ के साऊ एरिया में, मतलब इस जगह का नाम है लग्गा। तो यहाँ से आज करने आए हम गाड़ी लोड। तो गाड़ी लोड किस चीज़ की करने आए हम दिखाते हैं आपको। मैं और सुनील आए हैं एलपी लेके। तो बशीर आ रहा है कमेंट लेके। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे, मौसम भी अच्छा, मतलब ये है कि धूप नहीं है, गर्मी नहीं है, बहुत ही सुहाना मौसम और लोकेशन भी बहुत ज़बरदस्त है। ये देखिए, तो हम कर रहे हैं गाड़ी लोड। तो ये लकड़ी लेके जाएंगे हम पठानकोट बदरोह। तो जो भी रहेगा आज का दिनचर्या शाम तक, तो हम सब आपको बताएंगे। तो देखिएगा, जाओ दिखाते हैं आपको कहाँ हो रही है गाड़ी लोड और हम कौन से एरिया में और कहाँ जैसे हैं। तो ये देखिए, ये हो रही है गाड़ी लोड। तो ये कर रहे हैं गाड़ी लोड, बहुत ही मेहनत का काम और बहुत मेहनत करते हैं ये भाई साहब। और इसके बाद आएगा बशीरा, तो वो भी लोड करेंगे। तो ये है लकड़ी, यहाँ से जाएगी ये सारी लकड़ी पठानकोट। तो आ जाए हम, ये जगह का नाम है लग्गा। तो लग्गा में, तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त व्यू यहाँ पे एरिया में। ठंडा एरिया है, गर्मी बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। तो इस तरह के पहाड़ हैं और ये जंगल है। तो ये जो पुराने पेड़ होते हैं उनको काट देते हैं, उनको ले जाते हैं डिपों पे। जो हमारा हिमाचल का, मतलब डिस्ट्रिक्ट चंबा और कांगड़ा का डिपो है, वो है भद्रवाह और नूरपुर में। तो इस चीज़, यहाँ का जो माल जाएगा ये जाएगा भद्रवाह। तो ये इस तरह का है व्यू। तो ये है, कर रहे हैं गाड़ी लोड। ये है अपनी गाड़ी और सुनील बैठा हुआ सामने फोन देख रहा है। तो ये लिख रहे हैं जैसे जैसे नग जा रहा है। तो कुछ इस तरह का है व्यू यहाँ का। ये हो रही है गाड़ी लोड। तो ये कर रही, ये है अपनी 62 छत्ती। रही है लोड और ये है एरिया। बहुत ही, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये एरिया, सुंदर, मतलब प्रकृति से भरपूर। तो ना तो यहाँ पे गर्मी है ना कुछ, ठंडा पानी, सब कुछ वातावरण बढ़िया। तो वो सामने नजर आ रहा है कीड़ी, कीड़ी तक है पक्का रोड। वहाँ से ये है, ये नया रोड बना है कच्चा रोड। तो इस रोड पे तो देखिए, ये है ज़मीन बिल्कुल प्लेन, मक्की बीजी हुई है और उग गई है मक्की। ये है गांव, यहाँ का लग्गा गांव। तो यहाँ पे आए हम गाड़ी लोड करने। तो आप लोगों को कैसा लगा ये एरिया, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज नई जगह है ये हमारे लिए, हम फर्स्ट टाइम आए हैं इधर। मैं तो फर्स्ट टाइम ही आया हूँ, शायद सुनील भी पहली बार आया होगा इधर। कच्चा रोड है। तो ये कुछ इस तरह का है एरिया यहाँ पे। ये सामने शायद साउथ सिलाघाट वाली साइड नज़र आ रही है। तो एक मंदिर है छोटा सा, बहुत ही प्यारा गांव। छोटे छोटे एप्पल के पेड़ हैं, देखिए सेब दिखाता हूँ, छोटे छोटे पेड़ों पर लगे हुए हैं काफ़ी सेब। ये देखिए एप्पल, लेकिन ये हैं इस पर कुछ निशान, जैसे वो ओलावृष्टि होती है ना, उस वजह से। तो इस छोटे से पेड़ पे भी बहुत सेब लगे हुए हैं। और ये कोई टमाटर टमूटर सब्जी वगैरह लगाई है। ये है एप्पल ट्री गार्डन, ये है सेब का बगीचा। तो बहुत ही सेब लगे हुए हैं, अच्छी फसल है सेब की। लेकिन कई बार ऐसा होता है, जैसे ओलावृष्टि वगैरह होती है तो ये सेब को ख़राब कर देती है। तो उन चीज़ों से काफ़ी नुकसान हो जाता है बागवानों को। तो ये जुलाई अगस्त में चलता है सेब का भी सीज़न।
मतलब जुलाई अगस्त में तूड़ान शुरू होता है, तो ये ऐसा है एरिया। ये कैसा लगा आपको ज़रूर बताएं कमेंट करके। तो अब कर रहे हैं बशेरे का इंतज़ार। अब ये गाड़ी जब तक लोड होती है तो अपनी दूसरी इक्विपमेंट जो बशेर वाली गाड़ी है जो बशेर चलाता है वो भी आ जाइए, तो वो भी करेंगे लोड, फिर निकलेंगे साथ पठानकोट की ओर। जो भी अब आज का सफ़र रहेगा दिखाएंगे। तो ये है गांव, बहुत ही सुंदर गांव, पेड़ों के बीच में हरे भरे पेड़, ये नेचुरल ब्यूटी है सारी। यहाँ पे हर चीज़ आपको ऑर्गेनिक मिलेगी, मतलब स्वास्थ्य से भरपूर चीज़ें मिलेंगी, जैसे सब्जी हो गई, मतलब अपना ये जो मक्की बीजी हुई है सब कुछ ऑर्गेनिक तरीके से उगाया गया होता है यहाँ पे। ये है यहाँ के पहाड़। तो चलो चलते हैं गाड़ी के पास और इसके बाद जो भी नेक्स्ट रहेगा ज़रूर दिखाएंगे आपको। इस तरह का है व्यू। तो आज आए हैं साहू के इलाके में, साहू कीड़ी लगा फर्स्ट टाइम। ये हमारे लिए नया इलाका था, हमें तो बहुत बढ़िया लगा। ये देखिए यहाँ पे दुकान बनाई है किसी भाई साहब ने। अब बसें बुसें यहाँ आएगी तो ये कोई अपना ज़रूर बिजनेस खोलेंगे यहाँ पे, मेरे ख्याल ढाबा डूबा जो भी है अपने दिनचर्या चलाने के लिए लोग करते ही हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा ये एरिया ज़रूर बताएं कमेंट करके। तो बाकी आज जाएंगे यहाँ से निकलेंगे जब, तो हम आगे का रास्ता भी दिखाएंगे। लेकिन आप लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, हमारी वीडियो को ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और सबसे बड़ी बात यह कि हमारी जो त्रुटियाँ रहती हैं वो ज़रूर बताएं कि हम क्या गलती कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये सब कुछ आप लोगों से ही सीखना पड़ेगा हमें। तो कोशिश करते हैं जितना हो सकता है उतना हम अपने हिसाब से तो बढ़िया बनाते हैं, लेकिन आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। तो बाकी चलो फिर चलते हैं, जब लोड करके तो फिर दिखाएंगे आपको, जो भी होगी नई बात वो ज़रूर बताएंगे। तो मिलते हैं फिर जो भी नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें। और मैं जो एक कब से हो जाए सिद्धू मूसे वाले पता ही लगे कि सिग्नल भी नहीं आता ना ता कि गाड़ी लोड करके हम रुके हुए हैं, यहाँ बैठे हैं बशीरे का इंतजार कर रहे हैं। देखो नीचे खेल रहे हैं बच्चे और इनको देख के बहुत ही आनंद का एहसास, और वो बच्चे को गिरा दिया, उन्हें गिर गया, उठा लिया बच्चे को। ये बचपन है पूरा, कोई टेंशन नहीं है इनको, दुनिया के घर से आ गए, ये गांव है, यहाँ से आ गए बच्चे भागते हुए, यहाँ खेल रहे हैं छोटे छोटे तीन बच्चे हैं। शायद आपको ये मैंने जूम किया है थोड़ा सा दिखाई दे रहे हैं। तो इनके देख के मुझे बहुत आनंद का एहसास हुआ, तो सोचा आपको भी दिखा दूँ। काफ़ी देर से देख रहा हूँ मैंने बच्चों को खेल रहे हैं, बिल्कुल दीन दुनिया की टेंशन छोड़ के अपने ही खेल में मस्त है। ये देखिए गाड़ी लोड करवा के थोड़ी आगे ले आए हैं हम और बैठे हैं यहाँ पे। तो बशीरा भी आने वाला है, तो उसके बाद उसकी लोड होगी तो फिर निकलेंगे। ये आगे बच्चे देखो खेल रहे हैं, ये लगता है कुछ आपस में बहसबाजी हो गई, तो एक छोटी बच्ची नाराज होके निकल गई तो दूसरी आवाज मार रही है। तो ये है गांव, वो सामने से आएगी गाड़ी, गाड़ी भी आ चुकी है एक मिनट। तो पीछे मोड़ने के लिए जगह नहीं है,
तो मैंने सोचा चलो आगे जाके बोल देता हूँ बशीर को कि भाई गाड़ी मोड़ के ले, तो उसको बोलने के लिए और बैक करवाने के लिए आ गया हूँ। तो आ गया है बशीर, तो बहुत ही ठंडी ठंडी हवा है आज यहाँ इस एरिया में, ठंड जैसी लग रही थी पीछे, तो थोड़ा सा आगे आए तो यहाँ पे धूप है और गर्मी लगने लग पड़ी। आगे मोड़ने के लिए जगह नहीं है, नया नया रोड है, तो मुड़वाते हैं मशीरे को और ले जाते हैं पीछे। ये एलएनटी जो रोड का काम कर रही है लगी हुई है यहाँ पे, खड़ी की हुई है ठेकेदार ने, तो यहाँ से भी बहुत ही खूबसूरत व्यू आ रहा है पार्क का। तो कुछ इस तरह का व्यू यहाँ से भी, ये देखो गांव बहुत ही ज़्यादा गांव है इस रेड़ी टाइप में, जो रेड़ी मतलब पहाड़ टाइप, पहाड़ टाइप नहीं पहाड़ ही है ये इस पहाड़ी पे। और ये पीछे पता नहीं कहाँ कहाँ का ये पहाड़ है, वो सामने रोड नजर आ रहा है। तो शोर शराबा कुछ नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल सुकून शांत सुकून भरी जिंदगी व्यतीत करते हैं यहाँ के लोग, बहुत ही साधारण लोग होते हैं बेचारे। अभी यहाँ पीछे एक चाचू जी लगे थे पत्थर तोड़ने, तो मैंने पूछा चाचू जी कितने का बोरी देते हैं, बोलते कुछ नहीं यार 50 रुपये 60 रुपये। तो अगर यही बोरी हमारे वहाँ या चंबा चुंबा साइड लेनी हो तो लोग बोलेंगे कि 80 रुपये से कम नहीं मिलेगी भाई, तो ये 60 रुपये में भी दे रहे हैं जो सीमेंट का बोरी होती है उसको भर के। तो मेहनती लोग होते हैं ये तो जाहिर सी बात है गांव के, क्योंकि इनका खान पान बिल्कुल स्वस्थ होता है और बिना मिलावट के दूध घी सब घर में ही अपने जान पशु पाले होते हैं, गाय भैंस वगैरह वही खाते हैं मैक्सिमम यहाँ लोग, और घर की मक्की घर के गेहूँ सब्जियाँ खुद उगाई हुई होती हैं, तो इसलिए हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त शरीर वाले लोग होते हैं गांव के, और बहुत सी दुख बीमारियों से बचे हुए हैं क्योंकि यहाँ पे ना तो प्रदूषण, ना कोई चहल ना पहल कुछ नहीं, ना ट्रां ना ट्री ये वो। सब मतलब बढ़िया सिस्टम है। तो चलो बशीरे का करते हैं वेट, यहाँ पे मुड़वा लेंगे गाड़ी बशीरे से, तो यहाँ से जाएंगे बैक पीछे, क्योंकि नया रोड है जहाँ पे मोड़ने के लिए जगह, वहाँ पे आपने देखा कि लकड़ी रखी हुई है सड़क पे, तो गाड़ी मुड़ नहीं पाएगी। तो चलो आने देते हैं गाड़ी दूसरी जो भरेंगे अब। ये है गांव, इस तरफ भी नीचे तक गांव है, उस गांव से ऊपर भर रहे हम लकड़ी, वहाँ पे लगाई है गाड़ी। तो ये आ गया बशीर भी, आगे दूसरी गाड़ी उसके मुड़वाएंगे। लाइट है मार और लाइट क्यों मार रहा, इतना ही मोड़ रहा गड्डी बहुत खुश। तो चलो मुड़वाते हैं गाड़ी फिर बैक ले जाते हैं इसको परे। तो ये वो आगे तक ले जाएंगे बैक, तो यहाँ पे मुड़ेगी ये गाड़ी, तो इसको इशारा करना पड़ेगा आगे, ये थोड़ा हेल्प करनी पड़ेगी बैक करवाने में गाड़ी। तो चलो फिर मिलते हैं आगे। हो चुकी लोड पर बिल्कुल मिल गए, तो अब चल पड़े यहाँ से हम। तो ये रोड देखिए ओवर हाइट है गाड़ी और झोल खा रही है, तो चले हैं इस रोड पे। क्या एक्सपीरियंस रहा तेरा नए रोड पे नए इलाके में, है बोल कुछ यार। ये देखिए बहुत ही कंजेस्टेड रोड, तो सुनील कुमार का इंटरव्यू आगे लेते हैं, कहीं रुक गए अभी चला रहा है गाड़ी, तो इसको डिस्टर्ब ना ही किया जाए तो ठीक है, क्योंकि
की रोड है, बहुत ही खतरनाक कच्चा रोड है। तो करते हैं अब इस इलाके को बाय बाय और चलते हैं चंबा की ओर। तो काफी टाइट रोड सफर करके आगे टाइट रोड वाला जिस तरह का रोड का ऐसा है ये रोड, नया नया रोड है शायद, ये पास है या नहीं ये भी नहीं पता। तो ऐसी रोड में हम लेके जा रहे हैं अपनी तो देखिए काफी गांव साइड भी बहुत बड़ा इलाका है ये भी। और ये देखिए रोड के हालात, इस रोड पे गाड़ी ड्राइवर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर में भी दम चाहिए और गाड़ी में भी दम चाहिए, अदरवाइज ये आ गई कार तो रुकना पड़ेगा पास देने के लिए। बहुत ही बुरा हाल है इस रोड पे, नया रोड है तो देख सुन समझ सुन के चलना ही पड़ता है इस रोड पे। ये कार वाला भी कोई समझकार है बेचारा, लगा दी पत्थरों में चढ़ा दी और दे दिया हमें रास्ता। आगे लगा है रोड का काम डंगे का, तो यहाँ पे भी थोड़ा टाइट है पॉइंट, तो अगर ये हम यहाँ से निकल जाएंगे तो आगे फिर पक्का रास्ता आएगा। चलो 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 चलो, ये देखिए गाइस इस हिसाब से बराबर बराबर गाड़ी, चल 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 चलो 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 चलो। ऐसा ऐसा हाल है इस रोड का, तो आगे मिलते हैं अब अगले गांव में जाके। ये देखिए सोलर लाइट लगाई हुई है किसी ने यहाँ पे, ये सोलर का भी बहुत ही बढ़िया सिस्टम है, एक बार की इन्वेस्टमेंट है फिर लाइफ टाइम जैसी मर्जी बिजली चलाओ। तो ये है लास्ट स्टेशन यहाँ पे, वो देखिए शिवांशु कोच शिवा वालों की बस खड़ी है। तो इस लाइन पे यही बसें आती हैं। चलो 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 चलो, तो अब पहुंच चुके हैं हम पक्के रोड पे। तो यहाँ से नीचे है सारा ही पक्का रोड, ये है HRTC की बस, तो ये है एक छोटी सी मार्केट। तो ये बस लगाई है गलत साइड पे, तो ड्राइवर है कि नहीं है पता नहीं। तो बस देखते हैं यहाँ पे गाड़ी निकाल के फिर मिलते हैं। तो यहाँ तक लास्ट आती है बस, देखिए गोभी लगाई हुई है बंद गोभी, ये देखिए कितनी फसल है बंद गोभी की। और ये है गांव, जैसे कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि यहाँ पे बस, ये देखिए ग्रीन हाउस एप्पल के बाग, बहुत ही खूबसूरत दृश्य है यहाँ पे। जैसे मैं पहले बोल चुका हूँ कि यहाँ से सब, यहाँ पे सब कुछ मतलब अपना ही उगाया हुआ सब्जी वगैरह दूध घी सब घर का ही होता है, तो हष्ट पुष्ट लोग होते हैं। तो ये सेब देखिए, और ये ग्रीन हाउस लगे हैं, ग्रीन हाउसों में भी होती है सब्जी। तो यहाँ के लोगों को यहाँ मतलब दुकानों से नहीं खरीदना पड़ता है, जो खाद खूद से तैयार सब्जी या केमिकल से तैयार सब्जी पंजाब से आती है उससे छुटकारा है यहाँ के लोगों को। ये देखिए साउ वैली, इसी रोड से जाएंगे हम नीचे डाउन। ये है इधर साउ वैली ही है ये सारा, साउ और शिलाघाट ये होगा शायद,
बहुत आबादी है इस एरिया में भी। कच्चे रोड को किया बाय बाय तो आ गए हैं पक्के रोड पे। कीड़ी 5 किलोमीटर साउथ, 2 किलोमीटर चलते चलते हैं, रखते हैं कंटिन्यू सफर, तो देखते हैं आज नाइट कहाँ पे आती है। यहाँ पे भी रुकेंगे तो बताएंगे आपको, तो चलो फिर मिलते हैं आगे। तो ये पहुँचे हम कीड़ी क्रॉस, मतलब कीड़ी पहुँचने वाले हैं। कीड़ी लग जाएगी, कीड़ी क्रॉस करके आ गए हैं हम। अब पहुँचने वाले हैं साउथ से मिलता है रोड, उस रोड पे 1-2 किलोमीटर के बाद। उसके बाद आएगी आगे चेक पोस्ट फॉरेस्ट की, तो वहाँ पे बिल्कुल एंटर करवाएंगे, गाड़ी एंटर करवाएंगे तो फिर निकलेंगे आगे। तो ये है एरिया इस साइड का। ये नीचे भी चला है एक रोड का काम, पता नहीं कहाँ के लिए जा रहा, क्योंकि हम खुद फर्स्ट टाइम आए हैं। हमें इन गाँवों का कोई नाम पता नहीं है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत गाँव है थोड़ी थोड़ी दूरी पर, और बहुत ही प्यारी वैली लगी मुझे तो ये। आप लोगों को कैसा लगा इधर का एरिया साउ कीड़ी लगा साइड का एरिया, कमेंट में ज़रूर बताएं। तो अभी हम चले हैं पक्के रोड पे, तो डेंजर रोड था जो क्रॉस कर दिया। कैसा रोड लगा तू ये सुनील कुमार इधर का, ये है वे बता यार। उधर अपनी साइड के ठीक है, ये रोड ठीक है, अच्छा। और इलाका कैसा है? इलाका बढ़िया है। तो सुनील को रोड नहीं लगे ठीक, ये टाइट है रोड, थोड़े सिंगल रोड है और कैंचियां बहुत हैं, डाउन और चढ़ाई काफी है। अगर ज्यादा ट्रैफिक हो तो पास देने की दिक्कत पड़ जाती है, तो ये पीछे से गाड़ी आई इसको क्रॉस करवा रहे हैं, तो बाइक को भी रुक के पास देना पड़ता है। ये 3-3 सवारियां बिठाई हैं बाइक पे, तो ये बहुत गलत काम है। जो भी मेरे भाई बाइक चलाते हैं तो बाइक पे 3-3 पैसेंजर ना बिठाएं और हेलमेट का प्रयोग करें, अपनी ही सेफ्टी है उससे। तो चलो फिर मिलते हैं जीरो से आगे, जब जाएंगे फॉरेस्ट चेक पोस्ट से आगे तो हम मिलते हैं आपसे। तो ये भी काफ़ी खतरनाक डाउन है, डाउन लगाएंगे तो फिर चढ़ाई आ जाएगी। ये दिखा दिया आपको साइड का एरिया, तो हम मिलते हैं लगभग चंबा ही जाके बालू से आगे। पहुंच गए हम पावर हाउस, तो ये रोड जाता है इधर ऊपर चंबा का, मुगला जाके मिलता है बरमोर चौक पे, और हम ये आए ऊपर वाले रोड से साउथ से, तो ये नीचे चला गया मुगला की ओर, मुगला में जाके मिलता है हरदासपुरा में। तो अभी हम पहुंच चुके हैं पावर हाउस बालू से पीछे, तो यहाँ से 2 किलोमीटर आगे 1.5 किलोमीटर आगे है बालू। तो चेक पोस्ट पे चेक चुक करवाई गाड़ी और एंट्री करवा के निकल आए बरेडी से। तो पहुंच चुके हैं अब चंबा में, कर चुके हैं एंट्री। अब आगे है ITI चंबा की, जो ITI है जहाँ पे बच्चे ट्रेनिंग वगैरह करने के लिए आते हैं। तो दिखाते हैं अब आपको चंबा की ITI। ये है लघु जल विद्युत उत्पादन, यहाँ पे ट्रांसफार्म वगैरह, पुराना माल, ये बिजली महकमे का स्टोर, और यह है सुचार जो चंबा के लिए सप्लाई जाती है।
कुत्ता बैठ गया। चल 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 चल, ये कुत्ते ने कर दिया जाम। चल 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 चल। वो आगे से आया हाइवा, तो हाइवा लग गया साइड पे। तो ये आ रहा है ऊपर चंबा का एक मोहल्ला नजर। ये है आईटीआई और ये आईटीआई की न्यू बिल्डिंग बनी है। चल जानते क्या बोलता। ये है आईटीआई चंबा की प्रशिक्षण केंद्र। यहाँ पे करते हैं बच्चे ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में रजूगी है और ये आईटीआई वालों का ग्राउंड। तो ये पूरा एक आईटीआई का ग्राउंड और ये है हॉस्टल। यहाँ जो बच्चे यहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं और कॉलेज कॉलेज में पढ़ते हैं यहाँ पे रहते हैं। ये ऊपर आ रहा है टीवी वार्ड का मोहल्ला नजर चंबा शहर का। तो चलो बालू ये मिलते हैं अब आपसे। ये पहुँचे बालू। तो ये है पैदल रास्ता, इधर से जाते हैं पैदल। तो ये सीधा हॉस्पिटल के पास जाके निकलता है चंबा के लिए। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो परेल में हुआ करता था रूम हमारा क्वार्टर, तो हम इस रास्ते से ही जाते थे स्कूल के लिए। तो ये है बालू बाजार। उस वक्त बहुत छोटा सा बाजार हुआ करता था, अब तो बहुत बड़ी मार्केट बन चुकी है ये बालू बाजार। बहुत ही बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन चुकी हैं यहाँ पे। उसने वाले हैं बालू के चौक पे पहले बसे हैं। हाँ और ओरिजिनल वो भी। ये है बालू चौक। जब नया पुल नहीं बना तो इसी रास्ते से आती थी बसें, तो यहाँ काफ़ी सवारी वगैरह। चल 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 चल, इस पुल से बसें आती थी तो यहाँ काफ़ी सवारियाँ होती थी और काफ़ी रश होता था इस मार्केट में। अब नया पुल बन गया है तो यहाँ पे थोड़ा सवारी का रश कम हो गया है। तो ये है हमारा आरटीओ ऑफिस। यहाँ पे जो भी गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी होते हैं यहीं पर बनते हैं। ये है सब्जी मंडी चंबा की, छोटी सी सब्जी मंडी लेकिन दो तीन ही आड़ती हैं यहाँ पे नामी ग्रामी। और ये सारी मार्केट नई बनी है बालू में। ये है आयुर्वेदिक हॉस्पिटल। तो यहाँ से जाएंगे हम लेफ्ट साइड और ये सीधा रोड चला गया हमारा ईसा शहर की ओर। हम जाएंगे पुल के ऊपर से। तो ये बना है नया पुल, तो आगे से हो जाएंगे राइट साइड, तो वो रोड जाएगा सीधा पठानकोट के लिए और लेफ्ट साइड में है चंबा के लिए। तो आज हमने फर्स्ट टाइम यहाँ से चलो 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 चल 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 चल। ये है चंबा वाला रोड और हमने गाड़ी टर्न कर दी पठानकोट वाली साइड। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं परेल, परेल की मार्केट। साइन बोर्ड शायद आप सभी ने पढ़ दिया होगा। तो यहाँ पे हुआ करता था हमारा रूम। ये इस गली से अंदर जाते थे नीचे, ये वाली गली से, तो यहाँ अंदर हुआ करता था हमारा रूम। तो उस टाइम ये भी मार्केट बहुत छोटी सी थी लेकिन बहुत बड़ी मार्केट बन चुकी है ये भी अब। यहाँ पे काफी दुकानें वगैरह एजेंसीज वगैरह। ये हितेश ट्रेडर्स और यहाँ पे मार्बल टाइल और मशीनें वगैरह मिलती हैं। ये टोयोटा की एजेंसी, ये मारुति सुजुकी का सर्विस स्टेशन। यहाँ पे पहले महिंद्रा का शोरूम हुआ करता था
जो आज की डेट में अब उधर है अपने इस रोल में। तो ये सब मार्केट नई ही बनी है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले बजाज की एजेंसी होती थी, अब पता नहीं कहाँ पे है। तो ये है हुंडई का शोरूम और यहाँ पे मिलते हैं घड़े वगैरह, काफी घड़े हैं। ये पता है कोई सरकारी ऑफिस, तो ये शिव जी का मंदिर यहाँ अंदर है, बहुत बड़ा सर्विस स्टेशन है, टायर वगैरह बराबर चलता है। कर चुके हैं बालू और परेल क्रॉस, तो चलो मिलते। तो अभी हम पहुंच चुके हैं गोली, तो अब लकड़ी से भरी गाड़ियां रात को नहीं चलती हैं, तो ये लगा दी गाड़ी साइड में, तो यहीं पे अब सो जाएंगे, तो सुबह चलेंगे गोली जीरो पॉइंट पे हैं, यहाँ पे भी लगे चाय पीने, तो चाय वाय पी के चलते हैं। ये है अपने राकेश भाई, सर इधर हेलो करना जरा बंदों को। तो यहाँ पे चाय पिए कि ये भाई साहब बनाते हैं चाय, तो हम रुकते हैं यहीं, चाय जो यहीं पे पीते हैं, तो सुबह चलेंगे यहाँ से। तो बाकी जो भी रहेगा यहाँ से आगे का सफ़र तो कल। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग, तो अब फिर से आ गए हैं अपने मेन रोड पे, तो अब करते हैं अपने ब्लॉग को यहीं पे समाप्त। कैसा लगा हमारा ब्लॉग तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर करें, शेयर करें और कमेंट करें। आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है, अच्छी है बुरी जैसी भी लग रही है ज़रूर बताएं। तो चलो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर ख़त्म, सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल और जय माता की। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।